आज नवरात्र का आठवां दिन है जिसे हम महाअष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन मां के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना होती है। अष्टमी तिथि पर 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं की पूजा, भोजन और उपहार देते हुए दुर्गा मां की पूजा की जाती है। मान्यता है कि 2 से 10 साल की उम्र तक की कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है। और राजधानी में कैसा है दुर्गोत्सव को लेकर नजारा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने सहयोगी आशुतोष के साथ, जो इस वक्त एक पंडाल में मौजूद है। आशुतोष, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर? मैं बता दूं कि आज नवरात्र का अष्टम तिथि है और अष्टमी को जो है महागौरी की जो है पूजा होती है, और इस पूजा का जो है अपना एक खास महत्व होता है। हम इस वक्त चंद्रशेखर आजाद पूजा क्लब पंडाल में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ जो है भक्त जो है सुबह से ही जो है महाअष्टमी की महागौरी की पूजा करने के लिए जो है पंडाल में आए हैं। अपने अपने जो भी महिला है, जो व्रती है, जो नवरात्र की है, कोई अपने अपने तरीके से जो है कोई माँ का खोइचा भर रहे हैं, कोई जो निर्जला उपवास रखे हैं, कोई माँ के चरणों में शीश नवाने आए हैं और उनसे जो है आशीर्वाद मांगने आई हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इसे ही जानते हैं। दीदी, आज अष्टमी है और अष्टमी की पूजा का क्या महत्व है और किस तरह से आप लोग कर रहे हैं इसको? जी, मुझे उतना कुछ जानकारी है। तो ये देख, हालांकि नहीं कुछ बता पा रही है, हमारे साथ है जो है पूजा आयोजन समिति के ओम वर्मा जी भी हैं, इनसे जानते हैं। दादा, ये पूजा का जो आयोजन हुआ 2 साल के बाद हुआ है, बड़ा भव्य रूप से हुआ है कोरोना के बाद। ऐसे में आज जब महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा हो रही, तो आज इस पूजा को लेकर के क्या कुछ उत्साह है जो यहाँ आ रहे हैं उनमें, और आप लोग के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति विगत 1971 से भव्य पूजा का आयोजन करते आ रही है। पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के चलते छोटे स्तर पर हमने पूजा किया राज्य सरकार गाइडलाइन के अनुसार, परंतु इस बार हमें मौका मिला भव्य पूजा का आयोजन करने का। ये आप देख रहे हैं, ये भव्य पूजा का आयोजन के द्वारा संपन्न किया गया है। आज महाअष्टमी की रात है, पूरे राज्य भर के रांचीवासी श्रद्धालु आएंगे। हम उसके लिए पूरा पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा गार्ड कर्मी, वॉलेंटियर, सीसीटीवी कैमरा, जिला प्रशासन के लोग उपस्थित रहेंगे। महिलाओं के लिए अलग निकासी द्वार और पुरुष के लिए अलग निकासी द्वार का प्रबंध किया गया। अब पूरा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति पूरे तंदुरुस्त है। माँ भवानी के भक्त जो आएंगे उनका स्वागत और अभिनंदन है। तो माँ भवानी के जो भी भक्त चंद्रशेखर आजाद पूजा क्लब आएंगे, आयोजन समिति का कहना है कि उसके लिए जो है पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे साथ कुछ जो महिला जो व्रती हैं उनसे भी जानते हैं। दीदी, आज महाअष्टमी महागौरी की पूजा हो रही है और आज के पूजा का क्या महत्व है और आज किस तरह से आप यहाँ माँ का आशीर्वाद मांगने आए हैं? अष्टमी है ना, आज अष्टमी है और आज सब खोचा भरते हैं। खोचा भरने का नियम होता है और कल नवमी है, तो कन्या पूजन होता है। फिर कल अष्टमी पारण हो जाता है। खोचा जो भरते थे, इस खोचे में क्या कुछ होता है? हाल के ये नारियल के ये सिंदूर के ये बस वही सब होता है। इसका महत्व तो क्या है, खोचा भरने का क्या कुछ है, उसके लिए क्या कुछ आशीर्वाद? झोली भरा रहे हैं। इन्होंने जिस बताया कि जो है आज की महाअष्टमी महागौरी की पूजा हो रही है, तो ऐसे में जो है जो नवरात्र व्रती जो है वो जो है खोइचा भरती है, जो है जो निर्जला उपवास भी रखती है, और कल आज संधि बलि के बाद जो है वो उपवास तोड़ते हैं। कुछ लोग जो कल हवन के बाद जो है उपवास तोड़ते हैं। तो ऐसे में जो भी यहाँ आ रहे हैं, जो भी महागौरी महाअष्टमी की पूजा करने, वो देख सकते हैं कि जो महिलाएं जो आ रही है वो खोइचा भरने के लिए जो आ रहे हैं, कुछ जो है माता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। हमारे साथ एक और हैं। आंटी, क्या कहेंगी आज के पूजा का? दीदी, क्या महत्व है? तो पूजा का बहुत ही महत्व है। हम लोग अपना घर परिवार सुख शांति के लिए करते हैं, अपने बच्चों लोग के सुख के लिए करते हैं, माँ का श्रद्धा है इसलिए करते हैं। आज क्या कुछ करते हैं खास? आज अष्टमी है, महाअष्टमी है, आज हम लोग सारा दिन उपवास रखेंगे, सारा दिन निर्जला उपवास रखेंगे। कल हम लोग फलाहार करेंगे। आज माँ से आप पूजा करने आए हैं, माँ के चरणों में शीश नवाने हैं, क्या कुछ मांगा है माँ से आशीर्वाद? माँ से आशीर्वाद, घर में सुख समृद्धि रहे, बाल बच्चे लोग सब सही रहे।
और अभी जो कोरोना काल है वो सब चला जाए, सब सुखी रहे। तो आपने जैसा कि सुना खुशबू की, जो भी माँ से जो है आशीर्वाद मांगा है कि घर परिवार में और समाज में सुख शांति रहे, समृद्धि आए, और जो कोरोना का जो डर जो अभी भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है उसको वो जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बिल्कुल 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 आशुतोष, भक्तों में जो उत्साह है वो देखने को बन रहा है, और महाअष्टमी के मौके पर जिस तरह से पंडालों में भीड़ दिख रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि आस्था जो है वो बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे राजधानी रांची की, जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे थे, अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं राजधानी पटना, जहां से हमारे सहयोगी एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, महाअष्टमी है? दरअसल में यहाँ भी काफी सुबह से भक्तों की भीड़ थी, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश ने जो है वो मजाक किरकिरा कर दिया है पूजा का। दरअसल में भी थोड़ी देर पहले यहाँ जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोग जो है वो भक्तों की भीड़ धोरी घटी है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो लगातार मंदिर में आ रहे हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ से किस तरीके से भक्त जो है वो माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं और वहाँ से लौट रहे हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हम जी इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये पटना का नौलखा मंदिर है, काफी इंपॉर्टेंस है इस मंदिर का। यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं माँ के दरबार में मत्था टेकने के लिए, शीश नवाने के लिए, और वहाँ से आकर के मन्नतें मांगते हैं, वहाँ से आशीर्वाद मांगते हैं। और हमारे साथ हम के प्रवक्ता हैं विजय यादव जी, उनसे हम बात करेंगे, वो भी यहाँ माँ के दरबार में आए हुए हैं मत्था टेकने के लिए। विजय जी, महाअष्टमी है आज, माँ के दरबार में मत्था टेक रहे हैं, क्या कुछ मांगा आपने? देखिए आज महाअष्टमी पूजा है, पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हम लोग ने यही मांगा कि देश में अमन चैन, राज्य में अमन चैन हो। जो भक्त कोरोना काल में पिछले दो साल से त्राही त्राही मचा हुआ था, उसके लिए भी हमने अमन चैन माना कि माता पिछले साल से भी कि जो तुम्हारा भक्त है इस धरती पर, जब जब भक्तों पर कष्ट आते हैं तुम हमेशा रक्षा करती हो। तो जिस प्रकार कोरोना का आपने भगाने का काम किया है, तो इस देश में, इस राज्य में अमन चैन का भी बहाल करने का काम करो, और जिससे लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी। विजय जी, अमन चैन है कहाँ? आज भी दो हत्या हुई है पटना में, देखिए राज्य में तो अमन चैन है। हाँ, तो वही हम लोग दुआ कर रहे हैं, हल्का फुल्का होते ही रहता है, लेकिन जो 100% होना चाहिए अन्य राज्यों से हमारे यहाँ बहुत कम है, और माता का कृपा होने पर यहाँ एकदम एक अलग राज्य होगा जो ढंग से चलेगा। सरकार में जब से आप लोग आए हैं तब से सरकार भी आपकी ठीक से नहीं चल रही है, कल भी एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, दो महीने में दो मंत्री का इस्तीफा, तो माँ से आप मांगेंगे कम से कम नीतीश जी की सरकार चले बढ़िया से? एकदम निश्चित, देखिए आने जाने वाला को तो लगा ही है रहता है कि कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, राजनीति में ऐसा होता है, लेकिन सरकार बिल्कुल अच्छे ढंग से चले, बिहार की जनता भी समझ रही है, बेरोजगार भी समझ रहे हैं, नौजवान भी समझ रहे हैं कि ये सरकार कुछ अब बिहार को देने वाली है। यदि सेंट्रल का सपोर्ट हो गया था बहुत 100% लोग देखिए, अन्यथा अपने बलबूता ये माननीय नीतीश कुमार बिहार को बहुत कुछ देने वाले हैं। सरकार के लिए भी आप कुछ मांग रहे हैं माँ से? एकदम निश्चित, सरकार से भी मांग किया है माता भगवती से कि जो सरकार हमारी चल रही है जनता के हित में चले, सरकार जो भी हो वो अपने प्रजा को अच्छे ढंग से रक्षा करने का काम करे, उनको रोजगार देने का काम करे, बेरोजगारी दूर करने का काम करे। विजय जी है और कह रहे हैं कि भाई सरकार यहां मैं, चूंकि हम जानते हैं कि हम जो है वो सरकार में सहयोगी पार्टी है, तो उस पोस्टर के बारे में भी जानना चाहूंगी जो अभी अभी राजद ने जारी किया है अपने राजद कार्यालय के बाहर। राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, सवाल फिर से दोहराइए। चूंकि हम जो है वो सरकार में सहयोगी पार्टी है, तो मैं उनसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो अभी पोस्टर जो जारी किया गया है राजद की तरफ से नवरात्र के मौके पर, और जिस तरीके से मोदी और शाह को घेरने की कोशिश की गई है। विजय जी, हमारी एंकर है वहां से, वो आपसे सवाल पूछ रही है कि अभी आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, उसमें केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई है, लेकिन उस पोस्टर में हम कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग महागठबंधन में है, एक कोई जरूरी नहीं कि सबका पोस्टर में नाम हो और सबका एथी हो। विजय जी, सारे लोग हैं ना, जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो तमाम लोग हैं, आपके मांझी जी नहीं है लालू जी के साथ? अरे हम लोग सरकार में है तो साथी में, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि जिससे कहीं कोई दिक्कत होता, जनता को भटकाने का यदि केंद्र सरकार कर रही थे, जनता बिहार की जनता भटक। पोस्टर तो आरजेडी ने जारी किया है ना, पोस्टर आरजेडी अपना कोई अपने पार्टी ऑफिस से नहीं जारी किया, ये लोगों ने लगाया है, जो किसी ने लगाया है वो विवाद खड़ा करने के लिए ऐसा किया कि आपस में लोग विवादित हो। मतलब केंद्र सरकार को आप लोग पोस्टर के माध्यम से अब घेर रहे हैं?
केंद्र सरकार को पोस्टल के माध्यम से नहीं, ऐसे भी हम लोग दे रहे हैं कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जा की बात की थी, सेंट्रल विश्वविद्यालय खोलने की बात, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात किया था, जाति आधारित जनगणना की बात किया था, लेकिन ये सब गौण है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ मैं नौकरी दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, कुछ भी आज तक नहीं दिया। तो 24 उनको पता चल जाएगा कि पोस्टर में लिखा गया है कि मोदी रूपी जो अधर्म है उस पर धर्म रूपी लालू प्रसाद यादव जो है वो विजयी होंगे। बीजेपी तो कहती है कि धर्म के रास्ते पर तो भाजपा चलती है, तो ये लालू जी कहां से आ गए बीच में? देखिए, धर्म रूपी की जहां बात करते हैं, मोदी जी ठीक कहते हैं कि हम धर्म रूप पर चलते, लेकिन बिहार की जनता अधर्म पर नहीं चलती, धर्म की पर चलती। जब जब इस देश में, इस राज्य में विपत्ति आता है तो धर्मों का आविष्कार होता है। तो जब मोदी जी कह रहे थे कि मैं झूठ सच कर करके लोगों को बलगलाने का काम किया, तो 24 में बिहार की जनता बतलाने का काम करी कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। जी खुशबू जी, बिल्कुल सुना अभी अभी हमने जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि आखिर उस राजद ने जो पोस्टर जारी किया है उसका मतलब क्या है। अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी कि आज महाअष्टमी है, ऐसे में लोगों का जो भीड़ है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई है राजधानी पटना में? राजीव, पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अभी कई पंडाल का हमने दौरा किया है, जगह पे जो पुलिस फोर्स है उनको वहाँ पर, उनका डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया है खुशबू, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बावजूद आपको ये अपडेट दे दूं कि आज सुबह से पटना में 2 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें कि एक बीजेपी के सीनियर लीडर है उनको गोली मार दी गई, और दूसरी तरफ मनेर में जो है वहां पर भी एक नेता को गोली मार दी गई है। तो आज सुबह से पटना में, राजधानी पटना की अगर आप बात करेंगे तो पटना में 2 नेताओं की हत्या हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में सुरक्षा की क्या स्थिति है। जी खुशबू, बिल्कुल तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना की, जहां पर हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे कि पटना में कैसा है दुर्गोत्सव को लेकर लोगों के बीच उत्साह और उमंग।